है हमारा ऑलमोस्ट 3-3.5 बजेगा, लेकिन उसके पहले जो है हमें हमारे मित्र से मिलने जाना है, सरदार जी से, जो कि कोपरखाने में रहते हैं। उसके बाद उनसे वहाँ से जो है हमको जो है एरोली जाना है, एरोली से फिर हमें दादर जाना है। तो निकलना शायद से मुझे 11:30-12 बजे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि आधा आधा एक ही घंटे का जो है गैप लेके प्लानिंग कर रहा हूँ पहुँचने का। अभी फ़िलहाल जो है शॉप पे जा रहे हैं, शॉप पे थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद जो है घर पे आके अपना बाकी बैग पैक करेंगे और निकलेंगे निकलने का। लेकिन मैंने एक चीज़ आज जो है नोटिस किया कि आईफोन 11 और उसके बाद का जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा, प्लानिंग करूंगा कि अगर व्लॉगिंग के लिए वो एक सेटअप मिल जाएगा तो क्या ये जो फ्रंट कैमरा, उसका जो फ्रंट कैमरे का जो क्वालिटी वो 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, तो देख के काफ़ी ज़रा खुशी हो गई। फिलहाल गाड़ी नहीं है तो चल के जाना पड़ेगा, चल के निकलते हैं ऑटो, भी यहाँ से ऑटो पकड़ के निकलते। काफ़ी सुकून मिला यहाँ पे शॉप आने के बाद, शॉप पे आने के बाद, क्योंकि पूरा जो है शर्ट मेरा पूरा गीला हो गया था पसीने से यार, बाहर बहुत ज़्यादा वाला गर्मी चल रहा है। लेकिन अभी का जो प्लान है एक छोटा सा जो है काम यहीं पे लोकल में करना है, उसके बाद जो है हमें हमारी तैयारी करनी है निकलने के लिए। निकलते हैं, ज़्यादा बड़ा दिन है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह से एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताने के लिए, कल मेरे दोस्त की शादी है, मेरा बैचमेट है, मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, उसकी शादी है ऐसे जगह पे कि उसका खुद के शादी का जब उसने ई पास निकालने की कोशिश की तो उसका वो रिजेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों। तो हमको भी ये डाउट लग रहा है कि हम अगर ई पास के लिए उसकी शादी का कोई रीज़न दे तो शायद से वो 99% वो कैंसिल होने वाला है। तो भी ठीक है, एक बार अगर अपना बचपन का दोस्त है, किसी को बुलाया नहीं है, है ही 20-25 लोगों में शादी, लेकिन एक ही दिक्कत आ रही है कि गांव में शादी रखा है तो यहाँ से 200 किलोमीटर जाना, मतलब वो एक हल्का सा दिक्कत हो रहा है। अभी देखते हैं क्या है प्लान, तो वैसे मतलब दो साइड से मन चल रहा है जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ, क्योंकि कोई जा नहीं रहा है, सिर्फ दो ही लोग जो है हमारे बैच के गए उसके साथ में जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, बाकी वो लग ही नहीं रहा है भाई। दूल्हे का शादी है, कल गया था वो बंदे को सब लोगों को पकड़ लिया पुलिस लोगों ने, पता ई पास के बिना आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इतना गरीब मुंह बनाने के बाद जो है पुलिस को उसके ऊपर दया आई और कहा कुछ टाइम के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। बट ठीक है भाई, जेन्युइन रीज़न था तो वो चला गया। हमें अगर ई पास मिला तो डेफिनेटली जो है हम ट्राई करेंगे सुबह जाके दोपहर में रिटर्न आने का। ये बन गया अपना व्लॉगिंग सेटअप पूरा, ऐसे तो पहले से ही था ये अपने पास, लेकिन बीच बीच में जो है इसका कनेक्टर लूज़ हो जाता है तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि ये माइक जो है काफ़ी अच्छा वाला है, बोया माइक जो है मैंने परचेस करके रखा था, अभी यूज़ करता हूँ कभी कभार और क्या है। एक छोटा काम करने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन एक पंगा हो गया छोटा सा यहाँ पे, पुलिस लोगों ने पकड़ लिया, बोल रहे पकड़ने के बाद एंटीजन जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी रुके थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि उनको जो है अब लास्ट टाइम भी हम लोग ने किया था तो बोला चलो वो भी दिखा देते अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं लफड़ा हो जाएगा इसके बाद अगर नहीं तो मैडम से भी बात कर लेंगे। वैसा तो लास्ट टाइम का जो है ब्लॉग हम लोग ने किया हुआ था तो वो भी दिखा देंगे, अगर नहीं भी काम करा तो क्या फ्री में यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन एक तो चीज़ है कि अगर बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ऐसा लफड़े में फंस सकते हो आप। और फंसने के बाद अभी मुझे वैसे शूट के लिए जाना था, 1 बजे निकलने का था, अभी इसके बाद जो है रुकेंगे आधा घंटा शायद से यहाँ पे, क्योंकि सब लोग को जो है कंपलसरी एंटीजन जो है टेस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं, यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ रहे, अगर जो भी फालतू में यहाँ पे निकल रहा है तो सबको जो है पकड़ के सबका टेस्ट करवा रहे हैं। हम लोग ने जो है लास्ट टाइम करवाया था तो चलो एक बार बोल दिया हम लोग ने कि कर रहे करके, लेकिन शायद से मेरा भी करेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है कि अगर बिना किसी काम के निकल रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास वैलिड रीज़न है तो आप निकलो यहाँ से, नहीं तो भाई लगने वाले आधा एक घंटा जाएगा, अगर कुछ काम रहेगा तो ही बाहर निकलो, नहीं तो देखो ऐसा मेरे ऐसा वेट करना पड़ेगा। वैसे तो मेरे पास वैलिड रीज़न था आने का, इसके लिए जो है यहाँ पे आके रुके, अभी उनको मैंने बोल दिया कि भाई मेरा काम था तो मैं आ गया आया था, लेकिन बोल रहे कि टेस्ट कंपलसरी करवाना पड़ेगा। देखो यस मैडम इकड़े ना इकड़े मैडम, वैसे तो मैडम जी पूरे दिन भर यहाँ पे रुके हुए, यहाँ पे इन लोगों की जो है कार्रवाई वगैरह सब लोग चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे थोड़े बहुत जो है केक आते हैं यहाँ पे तो ठीक है, इसके लिए उन्होंने मुझे जानते हैं तो फिलहाल एंटीजन टेस्ट नहीं करवाया अपना, तो मैडम बोल रहे कि ठीक है जाओ आप, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है यार, थैंक यू मैडम।
बिना काम के बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ऐसे फंस जाएंगे। हमारा भी सबसे यही कहना है कि कानून के नियम का आप पालन करो और सब लोग अपने अपनी केयर लुक करो। ओके थैंक यू। फाइनली जो है फिर से आ गए शॉप पे। 2 मिनट के लिए डर भी गया था कि अरे यार पकड़ लिया तो क्यों पकड़ लिया, अभी क्या करेंगे, लेकिन कोई नहीं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे थे कोई भी, अपने अच्छे के लिए सब लोगों को पकड़ रहे थे, पूछ रहे थे भाई क्यों निकल रहा है, क्या निकल रहा है और फिर किस लिए जा रहे, उस सब के लिए जो है पकड़ रहे थे। और जो है अगर कोई ऐसे ही बाहर निकल रहा है तो सबके जो है एंटीजन टेस्ट करवा रहे थे कि कोई अगर गलती से पॉजिटिव निकला तो उनको जो है क्वारंटाइन करेंगे, तो सारी सुविधा फ्री है, इसके लिए घर से बाहर नहीं निकलना। तो अभी फाइनली जो निकल चुके हैं हम शूट के लिए, लेकिन पहले जाएंगे हमको कोपरकने, कोपरकने में शायद से लंच का प्लान बन सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है भाई, लाइफ में चल रहा है, मज़े चल रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं। अरे मेरे को जाना, गाड़ी पे जाना ही जाना था, अभी मिस करता हूँ मैं अपनी जो है रेट्स गाड़ी को। 500 रुपये में यार सी 2 बार मुंबई जाके आती थी गाड़ी, 2 बार तो नहीं, एटलीस्ट 1-1.5 बार तो जाके, 1 बार तो जाके रिटर्न आना और शायद से फिर से जाएगी, इतना तो कैपेसिटी था उसका। जब से ये पेट्रोल वाला गाड़ी लिया है गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, लेकिन ठीक है कंफर्ट जोन अपना अपना अलग होता है तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल जो है सर जी ने कुछ लिया है, सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अभी पता नहीं है, अभी फ़िलहाल आप दिखा सकते नहीं दिखा सकते वो पता नहीं है। एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि इन लोग जो है जो भी पुलिस लोगों ने जो मुझे पकड़ा था, ये बात तो मैंने नोटिस किया है कि जेन्युइन रीज़न कोई किसी का भी हो तो किसी को भी जो है प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट है या ऐसे ही एक जन का काम है, 2 जन निकल रहे हैं घर पे, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है दिक्कत वाला काम हो सकता है वहाँ पे। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि हम लोग ने भी उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए कोई भी कंडीशन में, क्योंकि यार ये टाइम पे 1 घंटा अगर आप बाहर खड़े रह के दिखाना बस, तो बुरा तो लगता है उनके लिए भी कि यार अपने लिए वो कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी जो है अगर हमारी ओर से भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूशन यही होता है कि भाई उनको परेशान ना करें, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही होता है कि उनको परेशान ना करें, अपना जो है काम होगा तो ही बाहर निकले, वैसा वाला सिस्टम है काम है। तो फाइनली पहुंच गए कोपरकने, कोपरकने पहुंचने के बाद जो है हमारे सर की एक छोटी सी और अच्छी आदत यह है कि उसको फ़ोन लगाने के 15 या 20 मिनट पहले ही उसके बाद जो है वो आता है, तो तब तक क्या हमको हमारी गाड़ी पे जो है वेट करना पड़ेगा। अभी इसके बाद उसको अभी तक कॉल नहीं किया, मतलब उसको अभी तक पता नहीं, मतलब अभी वो कॉल करने के 20-25 मिनट के बाद आएगा, ये कॉलेज टाइम से उसका सबसे अच्छा वाला आदत है, तो हमें भी उसकी आदत हो चुकी है अभी। सबसे आलसी यही है सबसे ज्यादा, एक बार जो है उसको ऐसे कर दो तो ये भूखना भी बंद कर देगी। एक छोटा काम करने के लिए जो है हम सरदार और मैं आए थे यहाँ पे, वो किसी से बात कर रहे हैं, अरे चलो यार आपसे बात कर लो थोड़ा। 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बजे का नहीं 4 बजे का टाइम था एक्चुअली शूट पे जाने का, तो मेरे हिसाब से 45 मिनट या 1 घंटे में हमें शायद से 1 घंटा तो ज़्यादा हो गया, 45 या 40 मिनट में पहुँचना चाहिए अभी यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी कोपरकने में तो पहुँच ही गया हमें। अभी तक जिससे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो अच्छा बंदा है, देखो एक सरदार यही है मेरा फ्रेंड जिसके बारे में बात कर रहा था, जब ये आता है 20-25 मिनट लेट, लेकिन आज तो मैंने उसको बुलाया नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली इसके घर पे चला गया था। बाकी उसने छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, वो सरप्राइज़ अभी फ़िलहाल रिव्यू करने के लिए नहीं बोला उसने, तो फिर कहीं से और दिन दिखा देंगे और क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी इससे अगर आपको कोई भी जूते मंगाने, अभी जूते घर पे है इसके, इससे अगर कोई भी जूते मंगाने हो, इसका जो है शू आउटलेट का इनका फैक्ट्री है, कभी भी आप इनको जो है ऑर्डर करवा सकते हो, इनका बाकी का जो है लिंक वगैरह मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी क्या है देखो ऑर्डर करो, एटलीस्ट इनका जो सपोर्ट करो और क्या। एक जूता जो है यहाँ पे हमको मिल गया है जॉर्डन का 81 लो है समथिंग उसका कुछ नाम है, लेकिन देख सकते हो जूता काफ़ी अच्छा, और अच्छा मतलब क्या जॉर्डन का जूता यार अच्छा होगा। बाकी इसके जितने भी जूते के वैरायटीज वगैरह है इसका जो है इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो एक बार जाके जरूर चेक करना देखने में क्या पैसा लग रहा है आपका। टाइम हुआ है 11:30 बजे, 11:30 बजे जो है मैंने एरोली से एक अपना जो है गाड़ी एक्सचेंज कर लिया है, अर्टिगा लेना था, अर्टिगा लेके अपना गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया मैंने।
काम यही था कि ये गाड़ी कल सुबह जो है लेके जाना है अहमदनगर, फिर अपने दोस्त की जो है शादी उसको अटेंड भी करना है। अब लेकिन जो है वेट कर रहे हैं सीएनजी का, सीएनजी भर के निकल जाएंगे। थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, अभी बजे है 11:30, घर पे कब पहुंचूंगा, 4 बजे उठ के जाना है, रिटर्न कल आना है, जाऊं नहीं जाऊं अभी भी यही सवाल मन के अंदर है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं। कभी कभी जो है सीएनजी सच में बहुत ज्यादा परवड़ता है अपने को, सच में अगर आपका डेली जो है रनिंग है तो सीएनजी परवड़ जाता है, पेट्रोल पे जान आ जाता है। ठीक है, अब तो शायद से थक गए, फटाफट घर पे निकल लेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो, एंड करने का समय आ गया, यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मोटिवेट करो यार थोड़ा बहुत। चलिए मिलते अगले ब्लॉग में, यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच।